इस रीडिंग को देखते हुए जो भी इंसान आपके सबसे पहले ख्याल में आता है, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग मानते हो, ठीक है, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान धीरे धीरे गति ले रहा है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में धीरे धीरे कहीं ना कहीं गति पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपके पर्सन हैं और पहले कभी इन्होंने वो एक्शन नहीं दिखाया था आपको, तो राइट नाउ ये थोड़ा एक्शन लेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ये अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको उस चीज़ में कहीं ना कहीं गाइडेंस या हेल्प भी मिल रही है। अगर ये आपके पर्सन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये धीरे धीरे ही सही बट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, गति स्लो है लेकिन स्टेबल है, ठीक है, धीमे हो सकते हैं लेकिन जब आएंगे तो ये एक स्टेबल सिचुएशन होगी, ठीक है। आई गई वाली सिचुएशन मुझे लगता नहीं कि अब होने वाली है। तो ये जो कोई भी पर्सन है आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, इनका एक एक कदम आप ही की तरफ बढ़ रहा है या अच्छे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सही ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपने कनेक्शन में चीज़ें ठीक करने की तरफ, ग्रोथ करने की तरफ बढ़ रहा है। पास्ट में जो भी गलतियां हुई हों उन पर बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करते हुए धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ने में बिलीव करता है ये इंसान और कहीं ना कहीं जो कुछ भी एक्शन ये लेंगे वो सॉलिड होगा, कॉन्क्रीट होगा, ऐसा नहीं होगा जो पहले इन एंड आउट वाली सिचुएशन शायद कभी रही हो। अब ये मोर मैच्योर एनर्जी में है, अच्छी एनर्जी में है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन